हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो लोग इस वक्त सऊदी जाना चाहते हो इंडिया से जो सऊदी जाना चाहते हैं इस वक्त जा सकते हैं, जो दो डोज वाला वैक्सीन ले चुके हैं अभी। तो आपको एक प्रोसेस में बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आज 9 तारीख दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काठमांडू नेपाल से 14 दिन क्वारंटाइन होके मैं दमाम में जाएगा सऊदी में। तो मैं क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले लिया था मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं बताया भाई, इस वक्त सऊदी जाना के लिए अभी तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। जो लोग जिसका वीसा जल्दी ख़त्म होने वाला वो लोग अभी ट्रैवल कर सकते हैं दूसरा कंट्री होके 14 दिन क्वारंटाइन होके। मैं इस वक्त जा रहा है नेपाल से। फर्स्ट चीज़ आप लोग को क्या लेना है, पहला 6 मंथ तो वैलिडिटी होना ही चाहिए पासपोर्ट का। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको कोविशील्ड का 2 डोज लेना ले चुका वाला प्रिंट आउट लेना होगा। मोदी वाला ज़रूर लीजिए भाई साहब। तीसरा रिक्वायरमेंट है आपका नेपाल होटल बुकिंग का। चौथा आपका CMC वाला नेपाल का जो गाइडलाइन था वो बुकिंग लेना था, तो उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर प्रिंट आउट लीजिए। चौथा आपको होटल बुकिंग तो पहला ही प्रिंट आउट कर लिया, सब कुछ रेडी हो गया तो आप सही कर सकते हैं। बाद में उधर 14 दिन रुक के फिर आप जा सकते हैं सऊदी अरेबिया। तो आप लोग कहाँ से करते हो भाई, जो लोग जाता है तो मैं जा रहा है AR ट्रैवल्स के थ्रू। वो लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं फैजाबाद का। तो आप AR ट्रैवल अबूबकर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसी का थ्रू जा रहा है। मेरे को पैकेज मिला 68,000 का, तो आप लोग भी जा सकते हैं भाई, वो बहुत बढ़िया काम करता है। मैं भी उसके साथ भी कराया, तो आप लोग भी उससे उधर जा सकते हैं, फिर कोई भी ट्रैवल से जा सकते हैं। खासकर मैं कलकत्ता बंधु का बोल रहा हूँ, मैं कलकत्ता का भी हूँ। तो आप जो लोग कलकत्ता से जा रहा है AR ट्रैवल से ही जाइए, क्योंकि वो बंदा बहुत सही है। मेरे को ऑनलाइन सब कुछ कर दिया, मैं उसी का थ्रू जा रहा है। बस अभी बाहर में बैठा हूँ मैं, तो 2:10 को मेरे को फ्लाइट है। मैं जब अंदर बोर्डिंग करूँगा तब आपको फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजूँगा।